दोस्तों, आप सभी स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा तो देखते ही होंगे, जिसमें अभिनेता सुधांशु पांडे वनराज का दमदार किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, वनराज का किरदार दर्शकों को बेहद ही पसंद आता है, जहां पर दर्शक इन्हें इनके किरदार के लिए काफी पसंद भी करते हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि पहले अभिनेता सुधांशु पांडे की जोड़ी अनुपमा यानी की रूपाली गांगुली के साथ दिखाई जा रही थी, और अब मदालसा शर्मा के साथ अपनी दमदार केमिस्ट्री शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनकी रियल लाइफ पत्नी है बेहद खूबसूरत, और उनका नाम क्या है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहे वीडियो के अंत तक, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, स्टार प्लस का सीरियल अनुपमा में सुधांशु पांडे वनराज का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ये अपने किरदार से घर घर में फेमस हो गए हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि सुधांशु पांडे अपने इस सीरियल से काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। तो वहीं क्या आप इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इनकी पत्नी का नाम क्या है और वो कैसी दिखती हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इनकी पत्नी से रूबरू करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सुधांशु पांडे की पत्नी का नाम मोना पांडे है, जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, जिनसे इन्होंने काफी समय पहले शादी की थी, और ये अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी पत्नी देखने में बेहद ही खूबसूरत हैं, और साथ ही ये अपनी पत्नी के साथ लाइमलाइट में बने ही रहते हैं, और इनके साथ इनकी बहुत सारी फोटोज गूगल पर देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते आप देख ही सकते हैं कि ये अपनी पत्नी को कितना ज्यादा पसंद करते हैं और उनसे कितना प्यार करते हैं। जहाँ पर हम आपको बता दें कि सुधांशु पांडे और इनकी पत्नी की जोड़ी बेहद ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों, आपको सुधांशु पांडे की वाइफ के बारे में जानकर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।